केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 2024 परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधान ने कहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान की यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने के निर्देश देने और उन्हें 23 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिए जाने के बाद आई है। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षाविदों की एक समिति गठित की गई है और इस विशेष विषय पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार इसे कोर्ट में पेश करेगी। NTA देश की 3 मुख्य परीक्षाओं CUET, JEE और NEET का सफलतापूर्वक संचालन करता है। हम दोषियों को जिम्मेदार ठहराएंगे। जो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहेगा उनका मूल्यांकन 5 जून की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें ग्रेस मार्क्स पर कोई मानदंड नहीं होगा। NEET UG 2024 परीक्षा को लेकर कई विवाद है, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के दावे शामिल हैं। 5 मई को NTA ने 4,750 स्थानों पर परीक्षा आयोजित की और लगभग 24 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया। आपको बता दें कि केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने 1563 NEET UG उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। केंद्र ने आगे कहा कि छात्रों को उनके मूल अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें से ग्रेस मार्क्स नहीं होंगे, और जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनका परिणाम 5 जून की परीक्षा के आधार पर होगा। PTI की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सिफारिशों के अनुसार ये सुझाव दिया गया है कि 4 जून 2024 को जारी किए गए प्रभावित 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द और वापस लिए जाएंगे। इन प्रभावित 1563 उम्मीदवारों को बिना किसी क्षतिपूर्ति अंक के उनके वास्तविक अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा प्रभावित 1563 उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि जो प्रभावित उम्मीदवार पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनके परिणाम 5 मई 2024 को आयोजित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मुआवजे के बिना उनके वास्तविक अंकों के आधार पर घोषित किए जाएंगे, और जो उम्मीदवार पुनः परीक्षा में शामिल होंगे उनके प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा और 5 मई 2024 को आयोजित परीक्षा के आधार पर उनके अंकों को त्याग दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है, जो अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहेंगे उनका मूल्यांकन 5 जून की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें उन्हें अनुग्रह अंक नहीं दिए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। अगर 1563 उम्मीदवारों में से कोई भी दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहता है तो उसके पिछले अंकों के आधार पर ग्रेस मार्क्स को छोड़कर नतीजे तय किए जाएंगे। दोबारा परीक्षा के नतीजे 30 जून को घोषित किए जाएंगे, और केंद्र ने कहा कि MBBS, BDAS और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए एडमिशन काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। इस विषय से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिनमें से एक एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के CIO ने दायर की है। एडटेक फर्म फिजिक्स वाला ने CIO अलक पांडे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील JSI दीपक ने ग्रेस मार्क्स के बेहतरीन आवंटन की आलोचना की और मांग की समय की कमी के कारण कोर्ट में नहीं आ पाने वाले सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाए। PTI के मुताबिक बेंच में अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह मामले का दायरा उन लोगों तक नहीं बढ़ा सकता जिन्होंने कोर्ट से संपर्क नहीं किया है। PTI के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को अतिरिक्त याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो 6 केंद्रों में ग्रेस मार्क्स देने से जुड़ी असमानताओं और संभावित कदाचार को संबोधित करती है। NEET UG 2024 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों सहित परीक्षा के दौरान की गई कदाचार के बारे में बहुत विवादों में घिरी हुई है। NTA ने 5 मई को 4,750 स्थानों पर परीक्षा आयोजित की और लगभग 24 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया। सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान। देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपकी सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना।
सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा क्या, किसकी दबा